हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजया क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, वैसे तो बारिश का पानी जो होता है एक ऐसे माँ के दूध के समान होता है जो कि हमारे प्लांट्स की सभी जरूरतों को पूरा कर देता है। लेकिन जब लगातार बहुत दिन बारिश होती रहती है तो हमारी मिट्टी में जो थोड़े बहुत पोषक तत्व रहते हैं वो बारिश के पानी के संग बह जाते हैं और हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो थोड़े से वीक होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। तब हमको ऊपर से फर्टिलाइजर या फिर कहिए कि प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स डालने की जरूरत पड़ती है। तो बरसात के समय हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए ये हम इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में कब डालने चाहिए ये भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर जो होता है, देखिए, ऑर्गेनिक भी होता है, केमिकल भी होता है। तो केमिकल तो हम एडवाइस नहीं करेंगे यूज करने के लिए, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है इनऑर्गेनिक, वो क्या होता है ना, पाउडर फॉर्म में होता है। आप उसको मिट्टी में डालोगे, तुरंत बारिश के समय वो अंदर चला जाएगा, प्लांट्स की जड़ें उसको ले लेंगी और फिर आपके प्लांट में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा। तो आपको जो है चाहिए मेन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालने के लिए, सबसे बेस्ट रहता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी जो है दो तरह का है, एक तो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है, एक जो है फास्ट रिलीजिंग है। स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर क्या होता है, वो धीमे धीमे हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देता है। जब हमारे प्लांट्स को पोषक तत्वों की जरूरत रहती है तब प्लांट्स जो है उनसे खींच लेते हैं। तो अब स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर कौन से हुए, तो इसके लिए बहुत सारे हैं जो हम हमेशा यूज करते रहते हैं, वही सब है, जैसे कि गोबर खाद है, जाइम है, बोन मिल है, बर्मी कंपोस्ट है, या कहिए जो चारकोल होता है ना, लकड़ी वाला कोयला, ये भी है, बहुत असर होता है। ये आपका जो है सरसों की खली और नीम की खली, ये भी आपका जो है एक वैसा है स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है, अगर आप इसको ठोस सॉलिड फॉर्म में यूज करते हो। तो जो भी फर्टिलाइजर आप सॉलिड फॉर्म में यूज करते हो वो सब स्लो रिलीजिंग होता है, वो मतलब एकदम से मिट्टी में नहीं मिल जाता है, वो धीरे धीरे अपने न्यूट्रिएंट रिलीज करता है। तो आप जो है इनको यूज कर सकते, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि जो भी आपके स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है उसमें से आप जो है नीम की खली और सरसों की खली को थोड़ा सा सोच समझ के यूज करिएगा ना, क्योंकि इनके संग दोस्तों फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप जो है कोई भी फर्टिलाइजर, चाहे गोबर खाद हो, बोन मिल हो, ये सब कोई भी फर्टिलाइजर जब भी यूज करना, तो हमेशा अपने प्लांट, जो भी आपका प्लांट है उसकी जो मेन स्टेम है उससे जो है कम से थोड़ा सा दूर होकर डालिएगा, पास में मत डालिएगा, क्योंकि सपोज किसी कारणवश मतलब फंगस की प्रॉब्लम आए तो वो प्लांट की जो स्टेम है उसको टच ना करे। कोशिश करिएगा जो गमले की रिम होती है ना, किनारा, हम दिखाते हैं आपको इसमें, हाँ, जैसे कि दोस्तों ये गमले का जो किनारा होता है ना, ये इसमें आप डालिएगा तो यहाँ पर जो होता है कि प्लांट की जड़ों को प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन केवल जो आपकी यहाँ पर स्टेम होती है ना, यहाँ पर मत डालिएगा, नहीं तो ये खराब हो सकता है आपका। तो आप जो है थोड़ा इसको डालिएगा और क्या करिएगा कि इसी के ऊपर डाल दीजिएगा, मतलब आपको ये नहीं कि अंदर डालना है, जैसे स्पेस देखिए खाली रहती है थोड़ी बहुत हम लोग के इसमें ना, ये गमले में इसमें, तो इसी के ऊपर ऊपर डाल दीजिएगा। तो वो क्या होगा, जो बारिश का पानी इसके ऊपर पड़ेगा तो उसके जो पोषक तत्व हैं जो उसके अंदर हैं, सॉलिड वाले के अंदर हैं, वो खुद ही बारिश के पानी के साथ जो है वो थोड़े थोड़े नीचे जाते रहेंगे और प्लांट्स की जड़ें जो है उनको खींचती रहेंगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सपोज आपका गमला जो है पूरा ऊपर तक भरा है तो आप थोड़ा सा मिट्टी को निकाल लो और फिर अपने सॉलिड फर्टिलाइजर, कोई भी स्लो रिलीजिंग सॉलिड फर्टिलाइजर है, उनको आप डाल सकते हो। अच्छा, इससे पहले हम भूल गए थे एक चीज, ये आपका जो नीम की खली और सरसों की खली है इसको मिट्टी के ऊपर कभी मत डालिएगा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स इसमें फंगस बहुत तेज आ जाती है, स्पेशली बारिश के समय जब मॉइस्ट हवा थोड़ा सनलाइट मिलती है ना, तो उस समय फंगस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा मिट्टी के अंदर डालिएगा और सपोज आपने डाल दिया है तो उसके ऊपर आप जो है कभी भी फंगस आती तुरंत मिट्टी लेकर के डाल दीजिएगा, ताकि वो ओपन में ना रहे। थोड़ी सी मिट्टी पड़ जाती है ना तो जो भी फंगस होती है वो मिट्टी के संग मिल करके माइक्रोब जो है उसको डिकम्पोज करने लगते हैं, फंगस ऊपर नहीं दिखाई देती है। कई बार जो है सरसों की खली यूज करने से कीड़े भी आ जाते हैं, तो आपको चीजों का ध्यान देना होगा। अब ये बात करते हैं कि आपको जो है स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर कब यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपके यहाँ बारिश ऐसे कि एक या दो दिन नहीं हो रही है, तो देखिए मिट्टी तो हल्की सी मॉइस्ट रहती है,
तब आप जो है उसके ऊपर से अपना गोबर खाद, देखिए गोबर खाद अच्छी तरीके से डिकम्पोज होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, वो ऊपर से डाल दिया आपने, धीरे धीरे जब भी बारिश होगी तो अपने आप ही न्यूट्रिएंट पहुंच जाएंगे, या जब आप पानी डालोगे ना तो उसके न्यूट्रिएंट जो है रिलीज होकर के अपने आप ही आपकी मिट्टी में पहुंच जाएंगे और आपकी मिट्टी को फर्टाइल करेंगे। स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर आप जो है 25 से 30 डेज में डाल सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डालने की जरूरत नहीं है, आराम से आप 25 से 35 डेज में डालिएगा। और मेनली आप अपने प्लांट की एज देखिएगा, प्लांट का साइज देखिएगा, बहुत छोटा प्लांट है तो आपको बहुत ज्यादा उसमें बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने ड्यूरेशन दिया है 25 से 30 डेज के बीच में। सपोज आपका कोई ट्री है काफी बड़ा है तो थोड़ा सा पहला डाल दीजिए, 20 डेज में डाल दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा जल्दी मत डालिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर की। देखिए लिक्विड फर्टिलाइजर तो देखिए सभी के गार्डन में रहता है, बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइजर बनते भी हैं, जैसे कि मस्टर्ड केक का बनता है, और कंपोस्टिंग जो लोग करते हैं कंपोस्टिंग से भी लिक्विड फर्टिलाइजर आता रहता है, और घर में भी बहुत सामान ऐसे रहते हैं जिससे लिक्विड फर्टिलाइजर बनता रहता है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर आपको कब यूज करना है इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी बारिश नहीं होती है, जैसे कि आपके यहाँ 4-5 दिन बारिश नहीं हुई है, तब आप जो है उस तब आप पानी डालोगे, तब आप उस पानी को ना डाल करके उस लिक्विड फर्टिलाइजर को बना के डालिएगा। जैसे रेशियो बताया जाता है ना कौन से रेशियो में पानी मिक्स करके डालना है, तो वैसे ही आप उसको डाल देना। तो जो मिट्टी थोड़ी सी ड्राई सी हो जाती है, देखिए बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिएगा, एक चीज हम ये और आपको क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिएगा, हल्की सी नमी रहे, क्योंकि क्या होता है ना गमले की बारिश के समय गमले की जो ऊपर की सरफेस है वो ड्राई हो जाती है, लेकिन नीचे थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो आपको जब ऊपर से हल्के हल्के ड्राई लगने लग जाए तो लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देना, उसको डाल दोगे तो प्लांट जो है उसके पोषक तत्वों को न्यूट्रिएंट्स को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फायदा होगा। लिक्विड फर्टिलाइजर भी आप जो है 10 से 15 डेज के हिसाब से डाल सकते हो अपने प्लांट के साइज के हिसाब से। तो ये दो फर्टिलाइजर तो आपके हो गए, कोई भी लिक्विड, और कोशिश करिएगा फ्रेंड्स बदल बदल के डाल दें, ये मत करिएगा कि अगर आप बनाना पील का फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो बार बार बनाना पील का डालिए, ऐसा मत करिएगा, चेंज कर दीजिए। जैसे एक बार बनाना पील का डाल दिया, दोबारा आपने सरसों की खली का डाल दिया, कभी आपने कंपोस्टिंग का लिक्विड डाल दिया, ऐसे चेंज कर करके करिएगा। इससे क्या होता है ना प्लांट को सभी तरीके के पोषक तत्व मिल जाते हैं, जो कहते हैं ना कंप्लीट डाइट वो प्लांट को मिल जाती है, तो रिपीट ऐसे मतलब वो एक ही चीज नहीं मिलेगी आपके प्लांट की, सब तरफ से अच्छे ग्रोथ होती रहेगी। अब फर्टिलाइजर और कब डालना है, एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे कि हम लोग के जो भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जब उसमें मतलब आपने फल तोड़ लिया है या सब्जियां तोड़ ली हैं या एक बार फूल आके उतर गए हैं, तो उसके बाद तुरंत आपको लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर सॉलिड फर्टिलाइजर, कोई भी स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर डालना, कोई भी एक कोई भी चुन लीजिए, तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे ये आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि हम लोग भी अपना गार्डनिंग जब करते हैं तो हमको खुद डिसाइड करना पड़ता है किस प्लांट में कब डालना है। वैसे तो ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा मैनेज करूँ कि सब प्लांट से मेरे एक ही साथ पड़े, तो उस चीज को आपको खुद फिक्स करना है कि आपको कब कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। तो इस तरीके से आप जो है अपने टेरेस गार्डन, बालकनी गार्डन या लॉन का मैनेजमेंट करिए। अच्छा, फर्टिलाइजर के ही उस पर एक और चीज आती है कि लॉन वाला जिसके यहाँ घास वगैरह होती है, घास बारिश के समय बहुत अच्छी होती है, तो फ्रेंड्स उसमें जो है आप वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल मत डालिएगा, गोबर खाद इज सफिशियंट, गोबर खाद का आप फर्टिलाइजर डालो। वर्मी कंपोस्ट इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो डालते हैं उसमें जो होता है केचुए हो जाते हैं वर्मी कंपोस्ट में, तो आपके जो केचुए मिट्टी में जब हो जाएंगे तो जो घास होगी उसमें वो प्रॉब्लम करते हैं ग्रो होने में, उससे मतलब केचुए जब बहुत ज्यादा आपके घास में होते हैं तो थोड़ा सा जो होता है अच्छी घास नहीं होती है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो आपका घास मतलब रहेगा उसमें आपको ये नहीं डालना है। साथ में मैंने भी कुछ जो है स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर खरीदे हैं, उसका जो वीडियो है मैंने शेयर करा है कौन कौन से फर्टिलाइजर खरीदे हैं, उसमें मैंने जो था गोबर खाद नहीं खरीदी थी। तो फ्रेंड्स हम आप भी सोच रहे हैं बिना गोबर खाद के ही हम गार्डनिंग करके देखें क्या असर रहता है क्या नहीं रहता पता लगेगा, क्योंकि तो गोबर खाद जो है वहां मिल नहीं रही थी और नर्सरी में जो था मैं जा नहीं पा रही हूँ उस समय, तो जाना ही नहीं चाह रही हूँ नर्सरी वगैरह में, तो जो है उसी से ही मैं अपनी गार्डनिंग करूंगी, कंपोस्ट वगैरह भी मेरे पास काफी हो गई है, काम चल जाएगा मेरा, और बस यही सब फर्टिलाइजर है, इनको आप समय समय पर डालते रहिए अपने गार्डन को, कोई भी गार्डन हो उसको हरा भरा बना
बनाते रहिए और साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे संग भी शेयर करते रहिए। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है, कोई पैसा नहीं लगता, आप कर सकते हो उसको। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।